मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सम दिया है. यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है LCM और HCF, उसका रियल लाइफ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे. तो हम पहले एक क्वेश्चन समझते हैं. देर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ओके, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसका सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया जो है 18 मिनट्स में उसका राउंड लगाती है. एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. रवि जो है 12 मिनट्स लगाता है. तो हमें ये समझ में आ गया कि रवि की स्पीड ज़्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है, क्योंकि वो 18 मिनट्स ले रही है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो एक ही पॉइंट से एक साथ एंड इन द सेम डायरेक्शन वो स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये बताना है कि वो कितने मिनट्स के बाद अपने रास्ते में मिलेंगे. ओके, वो हाउ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट्स के बाद मिल सकते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, क्योंकि 12 मिनट 18 मिनट थोड़े से बड़े नंबर हैं, हम थोड़े और छोटे नंबर पर चल के एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन में हम जो करेंगे वो हमें समझ आ जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं. ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको शो किया है. हम दो एनिमल्स लेते हैं, मंकी और रैबिट. हम जानते हैं भाई रैबिट की स्पीड कितनी होगी, उसका लीप, उसका जंप कितना होगा, और मंकी का जंप कितना हो सकता है. सो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखा है कि सपोज दिस इज़ द डिस्टेंस, और मंकी एक मिनट में सपोज 3 जंप्स ले सकता है, ठीक है, लेकिन जो रैबिट है वो सिर्फ 2 जंप्स ले सकता है. तो हम ये क्वेश्चन बता सकते हैं कि अगर वो दोनों के दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर हाउ मच टाइम या आफ्टर हाउ मैनी जंप्स हम कह सकते हैं कि वो दोनों मिलेंगे. तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कितने जंप्स ले रहा है, 3 जंप्स. ये कितने जंप्स ले रहा है, 2 जंप्स. तो इसने 3 जंप्स लिए, अगेन 3 जंप लिए, ओके, इन द सेम टाइम. फिर यहाँ पे इसने 2 जंप लिए, 2 और लिए, 2 और लिए, इसने अपनी स्पीड थोड़ी चेंज की, ओके, और ये 6 जंप्स के बाद इस पॉइंट पे पहुंचा. इसने भी 2 जंप्स करके 6 जंप पे पहुंच गया. सो वी कैन सी दैट कि ये भी 6 जंप पे पहुंचेगा, ये भी 6 जंप्स पे वहाँ उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे दोनों के दोनों एक साथ आ गए. तो 6 क्या हुआ, 6 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल हुआ. क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल, वी कैन राइट हियर कॉमन मल्टीपल. अगर ये और जंप करते जा सकते हैं तो और कहाँ पे जाके मिलेंगे, 6 के बाद ये लोग कहाँ जाके मिल सकते हैं, 12 पे मिल सकते हैं, ओके, उसके बाद कहाँ जाके मिल सकते हैं, 18 पे मिल सकते हैं. तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते जा रहे हैं, उनके आगे के मल्टीपल. हमें ये बताना है कि पहला मल्टीपल कौन सा है, इसीलिए हम फाइंड करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सबसे पहला, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम से ये समझ आया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस में LCM फाइंड करते हैं. इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं कि दोनों के दोनों जो कंपेनियंस हैं वो एक साथ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, एंड वो आफ्टर कितने टाइम के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. तो हमें LCM फाइंड करना है फॉर 12 एंड 18. इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड आउट नाउ. अब हमें समझ भी आ गया कि हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इन दोनों का LCM फाइंड करना है. सो 12 के लिए 2 × 2 × 3, देन 18 के लिए 2 × 3 × 3. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. फिर हम इसके लिए LCM कैसे फाइंड करेंगे, पहले जो कॉमन है 2, 3 हमने वो लिख लिया, फिर जो बाकी रह गया 2 और 3. सो दिस गिव्स अस 36. तो हम यहाँ बता सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स वो अब बाद में अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करके समझें अगर हम, तो देखो 36 जो है वो 12 के टेबल में भी आता है एंड 36 18 के टेबल में भी आता है. मतलब कितने राउंड के बाद, अगर इसका और एक्सटेंशन बनाया जाए, तो मतलब जो रवि है, रवि विल 12 मिनट्स के वो 3 राउंड्स लेगा,
ओके एंड सोनिया, क्योंकि वो स्लो रनर है तो वो 2 राउंड्स लेगी ओनली। 18 2 ज़ा 36, हम यहाँ अगर लिखें 12 3 ज़ा 18 2 ज़ा, तो हमें ये क्लियर हो गया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे। तो रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा एंड सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी। इसी तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन में समझा था कि यहाँ पे वो कब मिलेंगे, तो इसके 2 राउंड और इसके 3 राउंड पे ये इस पॉइंट पे मिले थे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। और हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज़ LCM। आई होप यू फाइंड इट ईजी एंड इट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन इफ़ यू प्रैक्टिस विद ग्राफिकल एग्जाम्पल्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड लाइक देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जैम टॉपर्स। बाय बाय।